शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस थाने के आसपास भी वो घटनाओं को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। रांची थाने के समीप दो बदमाशों ने एक दवा दुकान संचालक को चाकू मार दिया। दवा दुकान संचालक ने चाकू के प्रहार को रोकने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट पहुंची। घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। शहर में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात दमोनाका में दो बदमाशों ने चाकू मारकर एक व्यक्ति की जान ले ली, तो अब रांची थाने के पास एक दवा दुकान संचालक को दो बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि रांची में सचदेवा मेडिकल शॉप है, जिनके संचालक कुलदीप सिंह है। देर शाम कुलदीप जब अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी दो युवक दुकान पहुंचे और उन्होंने अचानक ही कुलदीप पर हमला किया। कुलदीप सिंह ने चाकू के प्रहार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घायल हो गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। घायल कुलदीप के परिवार जनों ने बताया कि कुलदीप का किसी से कोई विवाद नहीं है। उन पर हमला क्यों और किस कारण से हुआ, परिजन भी इस बात से अनजान हैं। कुछ विवाद नहीं था, किसी के साथ कुछ था भी नहीं उसका, कभी ऐसे कुछ बात हुई नहीं है। और पता नहीं कैसे आया और हम लोग को पता चला कि वो पहले पन्नी काटी अज्ञात लोग थे और उन्हें आके सीधे हमला कर दिया। पहले दुकान की पन्नी थी, वो उसको काटने लगे और फिर बाद में वो डर गया कि ऐसा क्या कर रहा है वो, तो उसने अब ब्लेड मारा तो वो पीछे भी नहीं हो पाया कि अब समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्या कर रहा है वो। स्कूटी से दो सवार अज्ञात व्यक्ति आते हैं और इनसे विवाद करते हैं और चाकू मारते हैं। चाकू सरदारी अपने जो कुलदीप सिंह जी, इनके दाहिने हाथ की कलाई में गदेली में चोट आई है और अभी ऑब्जर्वेशन में है। इनकी रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की पतासाजी शुरू कर दी है।